हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। और आपको पता ही होगा कि रोज के सेशन के तरीके से आज भी आपका एक इम्पोर्टेंट सेशन वाले होने वाला है। खास करके आज की अगर बात करते हैं तो आज जो आपका सेशन होगा, थोड़ा सा इसमें आपको बदलाव देखने मिलेगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हो जिले की यात्रा करते करते। तो हमने सोचा कि बीच बीच में आपका एक टेस्ट करते रहें, और उसी आधार पे आज की अगर बात करते हैं तो जितने जिलों का हमने प्रीवियस में कुछ अध्ययन किया है उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में संभावित हो सकते हैं, या यूं कहें कि उसके आधार पे कुछ चीज़ों को हम रिवाइज करने की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं और एक एक को लाइक करके शेयर करते रहें। जी बिल्कुल, रजनीश, आकाश, मोहिनी, राहुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक एक चीज़ों की हम यहाँ विशेष शुरुआत करते हैं और पहले ही क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बलवंत नगर किस शहर का प्राचीन नाम है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत नगर किस शहर का प्राचीन नाम है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो आपके बाराबंकी की है, या फिर आपके बहराइच का है, या बिजनौर का है, या फिर आपके विशेष करके हम बात करें झांसी का है। बलवंत नगर किस शहर का प्राचीन नाम है। ठीक है, प्राचीन नाम, क्योंकि हमने नामों वगैरह को देखा था और उसमें ये भी बताया था कि कई सारे शहर ऐसे हैं जिनके पुराने प्राचीन समय पे कई सारे नाम देखने मिलते हैं, और उन नामों की जब बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, पवन यादव, चलिए जवाब देते रहिए। बलवंत नगर विशेषतः किसका प्राचीन नाम है, और बलवंत नगर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं आप इसका सही जवाब दे रहे हैं रजनीश बाबू। इसकी जब बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा एक बार फिर से। जी बिल्कुल, इसका, हाँ बिल्कुल, राधे राधे, आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पे जुड़ते जाएं और सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बलवंत नगर की, तो ध्यान रखिएगा बलवंत नगर जो फेमस है वो आपके झांसी के पुराने नाम की जब बात करते हैं तो इसी झांसी शहर का पुराना नाम क्या है, आपको बलवंत नगर देखने मिलता है। ठीक है, बाराबंकी, बहराइच नहीं, बल्कि झांसी जो आपका एक शहर है इसे हम क्या कहते हैं, बलवंत नगर की संज्ञा देते हैं। जानते ही हैं कि पुराने समय में चंदेल राजाओं के द्वारा क्या किया गया था, इसको शहर को बसाया गया था, इसको चंदेल राजाओं के द्वारा विशेष करके इसको बसाया गया था, और यहीं पे ये लोग क्या करते थे, अपना शासन वगैरह करते थे। लेकिन एक बार फिर से क्या होता है, ये खास करके साम्राज्य आपका टूट जाता है, यूं कहें झांसी की उपलब्धि जी थी वो लगभग खराब हो जाती है। तो इस कारण से एक बार पुनः 17वीं सदी में, कब आपकी 17वीं सदी में क्या होता है, एक बार पुनः आपको देखने मिलता है कि 17वीं सदी में जो ओरछा के राजा हुआ करते थे, ओरछा के राजा की जब बात करते हैं तो ओरछा के राजा हुआ करते थे आपके वीर सिंह बुंदेला करके। क्या नाम था इनका, वीर सिंह बुंदेला करके। और इन्हीं वीर सिंह बुंदेला की जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, 17वीं सदी में एक बार फिर से आपके झांसी नगर की स्थापना की थी। अगर जो इन्हीं की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1613 में, सन 1613 में इन्होंने ही ये जो झांसी आप देखते हैं तो झांसी में एक किला भी बनवा रखा था। ठीक है, तो झांसी का किला जो आज रानी लक्ष्मीबाई के किले के नाम से प्रसिद्ध है उसकी जब बात करते हैं तो उसको भी क्या किया था, आपके वीर सिंह बुंदेला ने बनवा रखा था। तो झांसी के बारे में ये सारी चीज़ें विशेष करके याद रखते चलेंगे, और बलवंत नगर प्राचीन नाम आपके झांसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने पुनः कि प्रसिद्ध कवि, कवियों के अंतर्गत प्रसिद्ध कवि सूरदास की जन्मस्थली के रूप में आपका प्रसिद्ध है। जो सूरदास हैं, इन सूरदास की अगर बात करते हैं तो सूरदास की जन्मस्थली के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बनारस है, अयोध्या है, बाराबंकी है, या फिर सीही मथुरा। जी, सूरदास की जन्मस्थली, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए विपिन कुमार, इसका सही जवाब क्या होगा, अगर जो हम बात करते हैं, जी इसकी अगर जो हम बात करते हैं कि प्रसिद्ध कवि सूरदास की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है तो कौन सा ऐसा प्लेस है जो कि आपको सूरदास की जन्मस्थली के रूप में देखने को मिलता है, सूरदास की जन्मस्थली के रूप में विशेषतः देखने को मिलता है। और सूरदास की अगर जो जन्मस्थली की जब बात करते हैं तो विशेष आप जानते हैं कि खास करके जन्म से ये आपके अंधे थे, इन्हीं कारण इन्हें क्या कहा जाता था, सूरदास भी कहा जाता था। जन्म से अंधा होने के कारण इन्हें सूरदास, और इनकी अगर बात करते हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, यूँ कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और इन्हीं के
सानिध्य में रहना चाहते थे, और इसी कारण से आप देखते हैं कि सीही आपका जो मथुरा में एक प्लेस पड़ता है, इसी सीही में इनका जन्म हुआ है। तो सूरदास विशेष से आपके वृंदावन में रह के अपना कर्म क्षेत्र वगैरह देखने मिलता है, लेकिन अगर जो जन्म की बात करते हैं तो इनका एक जगह पड़ता है मथुरा सीही, यहीं पे देखने मिलता है। अच्छा, मथुरा से नाम आया तो एक नाम और आपको पता होना चाहिए, हरिदास का। हरिदास की अगर जो बात करते हैं तो आपको पता ही है कि ये विशेष करके तानसेन के गुरु थे, और तानसेन की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये आपके अकबर के नवरत्नों के अंतर्गत थे। ठीक है, अकबर के नवरत्नों के अंतर्गत थे, और तानसेन के गुरु के रूप में हरिदास देखने मिलते हैं। और हमने कहानी भी बताई थी विशेष करके कि अकबर इनका गाना सुनना चाहता है, लेकिन ये जब मना कर देते हैं तो अकबर क्या करता है, स्वयं इनकी कुटिया में जाता है। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है अकबर के नवरत्नों की जब बात की तो ये क्वेश्चन होता है कि उत्तर प्रदेश से अकबर के नवरत्नों में कौन कौन लोग शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, दो लोग विशेष करके शामिल थे, एक का नाम था आपका बीरबल, और बीरबल की अगर बात करते हैं तो कालपी में इनका जन्म, विशेष करके इनकी अगर बात करते हैं तो बचपन का नाम महेश दास। ठीक है, तो ये तो एक हो जाते हैं महेश दास बीरबल। ठीक, इसके अलावा अगर जब हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आप जानते होंगे टोडरमल। ठीक है, टोडरमल, टोडरमल विशेष अगर बात करें तो एक पद्धति होती है दहसाला पद्धति, और इस दहसाला पद्धति की अगर बात करते हैं तो इस दहसाला पद्धति को जमीन के पैमाइश से संबंधित पद्धति होती है, और इस पद्धति को लगाने वाले टोडरमल ही आपको देखने मिलते हैं। विशेष अगर जो बात करें तो आज जो आप सीतापुर जिला देखते हैं उसी सीतापुर जिले में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो विशेष करके अकबर के नवरत्नों के अंतर्गत दो लोग विशेष करके। हालांकि तानसेन की अगर बात करें तो तानसेन हमारे प्रदेश से नहीं संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि तानसेन की अगर बात करते हैं तो इनका जो कर्म क्षेत्र होता है और मकबरा वगैरह आपको मध्य प्रदेश ग्वालियर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें विशेष याद रखते चलेंगे, और मूल रूप से सूरदास के जन्मस्थली आपके सीही मथुरा में देखने मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार फिर से कि प्रसिद्ध रानी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था, जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, इन रानी लक्ष्मीबाई की जब बात करते हैं तो इनके पति का क्या नाम था। ठीक है, सीधा सा आंसर होगा लक्ष्मीबाई के पति आपके पेशवा बाजीराव प्रथम, नारू शंकर रघुनाथ राव, या फिर गंगाधर राव। नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ फेमस क्वीन लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के बारे में अगर जो कुछ चीजों को बात करना चाहें तो विशेष आप जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था बनारस में मणिकर्णिका नाम से हुआ था। ठीक है, बचपन में इनका नाम जो था वो था मणिकर्णिका, और बचपन में ही लोग इन्हें क्या करते थे, मनु भी प्यार से बुलाते थे, और प्यार से ही लोग इन्हें छबीली भी बुलाते थे। तो इनके अलग अलग नामों को पूछा जाता है, और जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म आपके बनारस में ही हुआ है। ठीक है, वाराणसी में देखने मिलता है इनका जन्म। बचपन के नाम की जब बात करते हैं तो मणिकर्णिका, मनु या फिर छबीली। ठीक, इनकी अगर बात करते हैं तो विशेष, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नित्यान मिश्रा, बहुत अच्छी बात है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो आपको पता ही है कि इनका जो शादी हुआ था विशेष करके लक्ष्मीबाई का, वो हुआ था गंगाधर राव के साथ। ठीक है, किसके साथ हुआ था, डी वाला ऑप्शन, गंगाधर राव के साथ विशेष करके हुआ था, गंगाधर राव के साथ विशेष करके इनकी शादी हुई थी। और अगर बात करें तो सन 1842 में, कब, सन 1842 में इनकी शादी गंगाधर राव के साथ हुई थी, लक्ष्मी बाई थी। अच्छा, यही पे चीज ध्यान रखिएगा, ये पेशवा बाजीराव प्रथम कौन थे, तो अगर जो इनकी बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके झांसी में छत्रसालों का शासन हुआ करता था, लेकिन छत्रसालों के और अंग्रेजों के बीच खास करके जब लड़ाई वगैरह देखने मिलती है तो इस कारण से यहाँ पे जो बुंदेला वगैरह लोग हुआ करते थे तो इनके साथ मराठा लोगों ने मिल करके क्या किया, अंग्रेजों को एक तरीके से हराया, और उसी एहसान के चलते विशेष करके इन छत्रसालों ने क्या किया था, यहाँ के बुंदेला राजों ने क्या किया था, जब मुगल सेना को हरा दिया तो इस कारण से मुगल सेना को हराने के दौरान क्या हुआ, ये पेशवा बाजीराव जो प्रथम थे इनको इन्होंने क्या किया था, आपके यहाँ के बुंदेलों ने खास करके इस झांसी वाले लोकेशन को इनको दे दिया था। मतलब होती थी जैसे उपहार स्वरूप एक तरीके से, कि आप अगर जो कोई युद्ध जीत जाते हो तो उसमें कुछ आपको एक तरीके से उपहार दे दिया। तो जब बुंदेला लोग खास करके मुगल से ये युद्ध जीत गए तो उस कंडीशन में मराठा लोगों को झांसी वाला लोकेशन, जिसमें पूर्णतः झांसी भी शामिल था, इस लोकेशन को पेशवा बाजीराव प्रथम को दे दिया था। और इसी के बाद अगर जो बात करते हैं तो आप जानते हैं नरो शंकर, हालांकि इनके क्रम में आते हैं कई सारे राजा वगैरह जो कि झांसी के सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं, और उसी क्रम में आते हैं नारो शंकर। और नारो शंकर की जब बात करते हैं तो आज जो आप किला देखते हैं, किला की बात करते हैं तो मूल किला तो आपके वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन जब किले के बाहर की बात करते हैं, किले के
बाहर की बात करते हैं जो कि आपका विशेष करके शंकरगढ़ नाम से देखने मिलता है, ठीक है। विशेष करके जो किले का बाहरी वाला भाग है आज जो शंकरगढ़ के नाम से देखने मिलता है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये आपके 1742 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपके नारो शंकर के द्वारा बनवाया गया था। अगर जो इसी क्रम की अगर जो बात करते हैं तो एक चीज और याद रखेगा कि ये जो रघुनाथ राव हैं इनके द्वारा भी यहाँ पे कई सारे काम किए गए, और जिसमें अगर जो विशेष बात करें तो इन्होंने कुछ काम किए थे, जैसे यहाँ पे एक रघुनाथ मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है, एक रघुनाथ मंदिर की स्थापना की थी। रघुनाथ मंदिर के अलावा अगर जो बात करते हैं तो इन्होंने यहीं पे ही जो आज रानी महल आप देखते हैं, इस आधुनिक रानी महल की भी स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा इस रानी महल को बनवाया, और रानी महल के अलावा भी अगर जो बात करते हैं तो विशेष करके इन्होंने यहाँ पे एक लक्ष्मी से संबंधित महालक्ष्मी मंदिर भी बनवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अलग अलग खास करके मराठाओं के जो सूबेदार हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया था। मूल रूप से क्वेश्चन था कि लक्ष्मीबाई के पति का नाम, तो इनका नाम हो जाता है आपके गंगाधर राव, 1857 की क्रांति की प्रमुख पुरोधा के रूप में आपको देखने मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पुनः कि रामभर स्तूप, क्वेश्चन यू है कि रामभर स्तूप प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और इस कारण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं बौद्ध धर्म के जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं खास करके उनके ही अवशेषों के ऊपर क्या किया गया है, आपके कई सारे स्तूप वगैरह बनाए गए हैं, और इसी में अगर बात करते हैं तो रामभर स्तूप, और इसकी जब बात करते हैं तो आपके किस जिले में देखने मिलता है, सारनाथ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या फिर अयोध्या में। बौद्ध धर्म से संबंधित है, विशेष ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि विशेष भगवान बुद्ध और या फिर उनके अनुयायियों के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है रामभर स्तूप। रामभर स्तूप और रामभर स्तूप की जब बात करते हैं तो विशेष आपको पता ही होना चाहिए कि ये आपका क्या हो जाता है, रामभर स्तूप विशेष करके कहां पे आपके कुशीनगर में पड़ता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, कुशीनगर में। कुशीनगर में ही हमने देखा था कि जब खुदाई वगैरह हो रही थी कन्निंगम के द्वारा, कई बार इसकी खुदाई की गई और फिर लॉर्ड डेविड के द्वारा इसकी खुदाई की गई, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कई सारे स्तूप और जो आज महापरिनिर्वाण मंदिर देखते हैं उसके अंतर्गत परिनिर्वाण प्रतिमा की जब बात करते हैं तो ये सारी चीजें खोजी गई थी, तो रामभर स्तूप आपके कुशीनगर से हो जाएगा। अच्छा, अगर जो यहीं पे बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इनके खास करके बुद्ध के जन्म की बात, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, और ये जो सारनाथ है, सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, पहला अपना उपदेश दिया था। इसके साथ ही आपका जो कुशीनगर ही है यहीं पे इन्हें क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध धर्म से संबंधित चार इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस तरीके से देखने मिलती हैं, चार लोकेशन के हिसाब से। श्रावस्ती की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बुद्ध ने अपने अधिकतम वसंत काल, यूं कह सकते हैं अपने जीवन के ज्यादा समय कई वर्ष यहीं पे बिताए थे, ज्यादा समय श्रावस्ती में बिताया था, और आप जानते हैं कि श्रावस्ती में आपके बुद्ध धर्म से संबंधित भी और जैन धर्म से संबंधित भी आपके प्लेसेज यहीं पे देखने मिलते हैं। और इसके अलावा अगर जो अयोध्या की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा अयोध्या 5 जैन ऋषियों की जन्मभूमि मानी जाती है, ठीक है। तो बुद्ध धर्म से संबंधित ये सारे पॉइंट विशेष करके याद रखेंगे। और यहीं पे अगर जो एक चीज आपको विशेष बताना चाहें खास करके चौखंडी स्तूप, तो आपको पता ही होगा चौखंडी स्तूप कहाँ पे है। चौखंडी स्तूप की जब बात करते हैं तो ये आज जो वर्तमान में सारनाथ आपको देखने मिलता है, इस सारनाथ में आपको विशेषतः चौखंडी स्तूप देखने मिलता है। बुद्ध धर्म से संबंधित, हालांकि हम उत्तर प्रदेश को पूर्णतः बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं, क्यों, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी हुआ यहीं पे, ये पले बढ़े और यहीं पे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, साथ ही साथ यहीं पे इनकी डेथ हुई, लेकिन अशोक ने इनके संबंधित कई सारे स्तूप वगैरह बनवाए हैं। और एक स्तूप आपको इंपॉर्टेंट देखने मिलता है, सांची का स्तूप, कई बार परीक्षा में अनगिनत बार पूछा गया है, हालांकि हमारे प्रदेश से बाहर है तो यूं कह सकते हैं सिलेबस से बाहर है, लेकिन जब भी चर्चा आती है तो याद करने में कोई बुराई नहीं होती है। सांची के स्तूप की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं आज जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है, ठीक है, तो प्रदेश से बाहर स्थित है नो डाउट, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, तो इस कारण इन सारी चीजों को विशेष याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे श्रावस्ती को लेकर के, चूंकि श्रावस्ती में पिछले ही क्लास में हमने चर्चा किया था अंगुलीमाल, और अंगुलीमाल की जब बात करते हैं तो एक स्तूप इस अंगुलीमाल के नाम पे भी बनाया गया है। अंगुलीमाल हमने बताया था एक प्रसिद्ध डाकू था, लुटेरा था, और भगवान बुद्ध ने इसे क्या किया था, एक तरीके से इसको रास्ता दिखाया था, तो इसका भी एक यहाँ पे स्तूप देखने मिलता है, कहाँ पे, श्रावस्ती में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पुणे की लाख बहुसी। आपके सामने क्वेश्चन है कि लाख बहुसी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य की बात हो रही है, लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर जो बात करें तो बस्ती, बलिया, कन्नौज, आगरा। लाख बहुसी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य विशेषतः आपके प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है? और लाख से हमने संभवतः आपको बताया भी था, यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात हो रही है, और इस कंडीशन में अगर बात करते हैं तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य भी माना जाता है। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य भी माना जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा अगर जो इसकी बात करें, लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य, तो ध्यान रखिएगा ये जो लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य है, बिल्कुल आपने सही दिया, वेद प्रकाश। बहुत अच्छी बात है, इसकी अगर जो बात करते हैं तो आपका सी वाला सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे? आपके कन्नौज में। कन्नौज की अगर बात करते हैं, जिसे हम कभी कभी इत्र नगरी की भी संज्ञा देते हैं, इसी इत्र नगरी कन्नौज में ही क्या किया गया है, आपके लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य की स्थापना विशेषतः की गई है। कब की गई थी? तो ये आपका 1989 में किया गया था, 1979 में इसकी स्थापना की गई है। और विशेषतः अगर बात करते हैं तो पक्षी अभयारण्य को अंतर्गत सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य आपको यहीं पे देखने मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य यहीं पे देखने मिलता है। अच्छा, कुछ और की चर्चा कर ले, जैसे बलिया की अगर बात करते हैं तो आपको पता ही है कि बलिया में क्या है आपका, विशेष करके बलिया में जो आपका पक्षी अभयारण्य देखने मिलता है वो आपका होता है सुरहा ताल नाम से, सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य, और जिसे कभी कभी हम एक तरीके से जो आपके यहाँ के कह सकते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति थे, खास करके लोकनायक की जब बात करते हैं तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम किया गया है, जयप्रकाश नारायण आपके पक्षी अभयारण्य की बात की गई है। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो एक और आप जानते हैं आगरा, और आगरा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य देखने मिलता है। सूर सरोवर की अगर बात करें तो विशेष क्यों चर्चा में था, क्योंकि लास्ट टाइम आपने ही देखा था कि सूर सरोवर को क्या किया गया है, आपका जो एक रामसर साइट होती है उस रामसर साइट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। रामसर साइट खास करके ईरान में एक जगह है जहां पे समझौता हुआ है आर्द्र भूमियों को लेकर के, तो आगरा से संबंधित अभी हाल ही में सम्मिलित हुआ है सूर सरोवर, तो इस कारण ये आपका चर्चा में था। ठीक है, आगरा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने पुनः की बाण भट्ट। क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? अगर जो इनकी बात करें तो परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, बाण भट्ट के आत्मकथा के लेखक कौन होंगे? और इसकी जब बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब बात करते हैं तो हिंदी के एक प्रमुख लेखकों के अंदर देखने मिलते हैं, और वर्तमान में अगर बात करते हैं तो जो आज आपका बलिया जिला है इसी बलिया जिले से संबंधित है। ठीक है, बलिया जिले से संबंधित है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने ही प्रसिद्ध पुस्तक बाण भट्ट की आत्मकथा को लिखा है। ठीक है, बलिया से संबंधित है। इनकी अगर जो बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ और भी बुक्स लिखी हैं, जैसे एक बुक आप जानते हैं कि अनाम दास का पोथा करके है, विशेष करके अनाम दास का पोथा, और इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो आपने देखा भी था, पीछे किसी ने पूछा भी था, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल, तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं। अशोक के फूल की बात करें, चाहे आपके बाण भट्ट की आत्मकथा की बात करें, चाहे फिर अनाम दास के पोथे की बात करें, तो ये सारे बुक्स जो होती हैं कई बार आपके परीक्षा में पूछी गई हैं। तो इस कारण ध्यान रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, जो कि बलिया जिले से संबंधित है, क्या किया गया है, इस बुक को लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल, आपको पता ही है कि ये विशेषतः आज जो आपका बस्ती जिला पड़ता है, इस बस्ती जिले के रहने वाले थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल युग विशेष करके इन्हीं के नाम से देखने मिलता है। बाकी परशुराम चतुर्वेदी और केदारनाथ सिंह की जब बात करते हैं तो ये भी आपको बलिया से ही संबंधित होते हैं। हालांकि बलिया की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से शेर ए बलिया भी कहते हैं, जिसमें विशेष नाम देखने मिलता है आपके चित्तू पांडे का। और चित्तू पांडे की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि
यहाँ पे 1942 में जब स्थानीय शासन लगाने की बात थी तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अंग्रेजों को भगा करके स्थानीय शासन लगाया। इसके साथ ही मंगल पांडे, आप विशेष जानते हैं, मंगल पांडे का संदर्भ आपके बलिया से ही होता है, 1857 की क्रांति के सूत्रधार के रूप में आपको इंपॉर्टेंट देखने मिलते हैं। यहीं पर अगर बात करते हैं तो लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश की जब बात करते हैं तो ये भी आपके यहीं से होते हैं, जो कि खास करके जब आपका क्या कहते हैं इमरजेंसी चल रहा था देश में, तो उस कंडीशन में ये एक नेता के रूप में इमरजेंट होके आते हैं। साथ ही साथ समाजवादी की जब बात करते हैं तो आपके जनेश्वर मिश्र, और जनेश्वर मिश्र की जब बात करते हैं तो जनेश्वर मिश्र के रूप में आपके छोटे लोहिया, जिन्हें हम कहते हैं समाजवादी विचारधारा के एक तरीके से प्रणेता थे, और इनका भी जन्म स्थान यहीं से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बलिया से ही संबंधित होती हैं, तो विशेष याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार पुनः, कि प्रसिद्ध माथा कुंवर का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध माथा कुंवर का मंदिर स्थित है, और इसकी जब बात करते हैं तो आपके बलिया में ही स्थित है, झांसी में, कन्नौज में, या फिर कुशीनगर में। द फेमस टेम्पल ऑफ माथा कुंवर इज लोकेटेड, माथा कुंवर मंदिर विशेषतः कहाँ पे देखने को मिलता है, माथा कुंवर मंदिर अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये विशेषतः आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, इसका सही जवाब क्या होगा, माथा कुंवर मंदिर। और इसके अंतर्गत बिल्कुल आप सही करें, नहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, चंद्रशेखर की बात करें, आप बिल्कुल सही करें, ये चंद्रशेखर भी जो थे आपके प्रदेश सॉरी भारत के 9वें प्रधानमंत्री, विशेष करके आपके बलिया जिले से ही संबंधित है। बहुत अच्छी बात आपने कही, चलिए यहाँ पे जवाब दीजिए। और बलिया को हमने बताया भी था कि गंगा नदी जौनपुर से प्रवेश करती है और फिर बलिया से क्या होती है आपके बिहार में निकल जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और बलिया के संबंध में अगर एक चीज़ और बताएं, खास करके जिलों के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रसिद्ध माथा कुंवर मंदिर, और बिल्कुल आपने सही कहा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, कुशीनगर। कहाँ पे, आपके कुशीनगर में देखने को मिलता है माथा कुंवर मंदिर। मूल रूप से अगर बात करें तो ऐसी मान्यता है कि जहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, विशेष करके जहाँ पे भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इस परिनिर्वाण स्थली के रूप में ही हम इसे देखते हैं। अगर जो इसकी बात करते हैं तो यही पड़ोस में ही एक बड़ा विहार भी बनाया गया, ऐसा नहीं है ये कोई विशेष मंदिर नहीं है, ये एक बड़ा सा प्लेस है जहाँ पे कई सारे बुद्ध धर्म के अनुयायी एक साथ बैठ सकते हैं। और मूल रूप से अगर बात करते हैं तो लगभग 114 फीट लंबी चौड़ी क्या है, एक बड़ी सी आपको प्लेस देखने मिलती है जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसका निर्माण कराया गया। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध अंतिम समय में परिनिर्वाण जो प्राप्त किए थे यहीं पे प्राप्त किए थे। और यहीं पे अगर बात करते हैं तो आप देखते हैं खास करके खुदाई वगैरह में यहाँ पे 10वीं और साथ ही साथ 11वीं सदी के, 10वीं और 11वीं सदी के यहाँ पे मिट्टी की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो कुछ मिट्टी की मुहर यहाँ से भी आपको प्राप्त हुई हैं, जो कि आपके इस स्थान के प्रामाणिकता के बारे में आपको बताती हैं। तो विशेष करके माथा कुंवर मंदिर, जिसे हम परिनिर्वाण मंदिर के रूप में देखने मिलते हैं, और ये आपके विशेष करके कुशीनगर जिले में ही पड़ती है। ठीक है, विशेष करके कुशीनगर जिले में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध हिंदी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन, या जिन्हें हम अज्ञेय भी कहते हैं, का संबंध किस जिले से है, किस जिले से आपको देखने मिलते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय का संबंध, विशेष करके आपके बलिया से, कुशीनगर से, बनारस से, या फिर कन्नौज से। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा अगर जो इसकी बात करते हैं, प्रसिद्ध हिंदी लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन की अगर जो बात करते हैं तो बिल्कुल आपका जो संबंध हो जाएगा इनका, एक बार फिर से कहाँ से, आपके कुशीनगर जिले से ही संबंधित होंगे। ठीक है, हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक होते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन, और इनके द्वारा कई सारी प्रसिद्ध बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, तो इनका संबंध विशेष करके आपके कुशीनगर जिले से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पुणे के प्रसिद्ध सप्त मातृका की प्रतिमा, क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सप्त मातृका की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुई है, विशेष करके
किस जिले में आपको देखने मिलता है सप्त मातृका की प्रतिमा। अगर जो बात करें तो कुशीनगर में, जालौन में, श्रावस्ती में या फिर कन्नौज में, ठीक है, विशेष करके सप्त मातृका की प्रतिमा आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुई है, इसका सही जवाब क्या होगा। सप्त मातृका की प्रतिमा शेरे बलिया, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बलिया की बात हो गई। अब यहाँ पे इसका जवाब करिए कि सप्त मातृका की प्रतिमा विशेष करके आपके जिले में कहाँ पर देखने मिलती है, और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो विशेष आप ध्यान रखिएगा कि आप जब कन्नौज की जब बात करते हैं तो यहीं कन्नौज में ही आपको ये सप्त मातृका प्रतिमा देखने मिलती है। सप्त मातृका हमने बताया भी था कि सात अलग अलग देवियों का एक साथ ही क्या किया गया, प्रतिमा यहाँ पे प्राप्त हुई है। और यहीं पे अगर बात करते हैं तो कई सारे मंदिर वगैरह भी देखने मिलते हैं, जैसे एक मंदिर है गौरी शंकर का मंदिर, ठीक है, गौरी शंकर मंदिर, इसकी जब बात करते हैं तो ये भी आपके कन्नौज में स्थित है। साथ ही साथ हमने चर्चा किया था कि एक आपके अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर की जब बात करते हैं तो ये भी आपके कहाँ पे, आपके कन्नौज में ही देखने मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहीं पे आपका एक पंचवटी, और पंचवटी हमने बताया था कि विशेष करके पांच मंदिरों का समूह एक साथ आपको देखने मिलता है, तो ये भी मंदिर आपका यहीं पे देखने मिलता है। और यहीं पे अगर बात करते हैं तो एक आपको और भी मंदिर बताया था, खास करके पद्मावती सती का मंदिर, ठीक है, पद्मावती सती का मंदिर, और ये अगर बात करें तो ये भी आपके कन्नौज में ही होता है। और इसके अलावा एक और मंदिर बताया था जिसमें हमने चर्चा किया था, छेम काली देवी का मंदिर, ठीक है। तो ये कई सारे मंदिरों की जब बात करते हैं तो ये सारे आपके विशेष करके कन्नौज में प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो सप्त मातृका प्रतिमा आपके कन्नौज से ही संबंधित है, बाकी सारे मंदिर भी आपके क्या है, कन्नौज से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है आपके सामने पुनः की, और यहाँ पे जो बात की जा रही है चर्चों को लेकर की जा रही है। जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संत जूड चर्च प्रदेश में स्थित है, प्रसिद्ध संत जूड चर्च आपके प्रदेश में स्थित है, अगर जो बात करें तो बलिया में, मथुरा में, कन्नौज में या फिर झांसी में, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा कि संत जूड चर्च प्रदेश में स्थित है, तो आपके विशेष करके कहाँ पे स्थित है, संत जूड चर्च आपके प्रदेश में विशेष करके कहाँ पे स्थित है। और ये भी क्वेश्चन कई तरीके से आपके पूछे जाते हैं, खास करके जब मकबरे की बात हो या फिर स्मारक की बात हो या चर्च वगैरह की बात हो तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। जैसे प्रयागराज की अगर बात करें तो आपको याद होना चाहिए आल सेंट करके चर्च था, आल सोल करके चर्च, ठीक है, लखनऊ में आप जानते हैं विशेष करके हजरतगंज में देखने मिलता है। तो इस तरीके से आपके प्रदेशों में कई सारे चर्च वगैरह की स्थापना की गई है, जिसमें एक प्रसिद्ध है संत जूट का चर्च। और संत जूट चर्च की जब बात करते हैं तो आपका कहाँ, डी वाला सही जवाब हो जाएगा, झांसी में देखने मिलता है। कहाँ पे देखने मिलता है आपके, झांसी में देखने मिलता है प्रसिद्ध संत जूड का चर्च, ठीक है, झांसी। झांसी की अगर बात करते हैं तो भीम ने चर्चा किया, विशेष करके वीर सिंह बुंदेला वगैरह के बारे में चर्चा किया कि किस तरीके से इनके द्वारा पहले बसाया गया और फिर बाद में क्या हो गया, 17वीं सदी में विशेष करके इसके द्वारा बसाया गया, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध है। और इन सब चीज़ों की जब बात करते हैं तो अभी हमने देखा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदेश में ट्रांसफार्मर कारखाना स्थित है, अर्थात आपके प्रदेश में विशेषतः ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ पर स्थित है। बात करें तो कानपुर में, झांसी में, रायबरेली में या फिर औरैया में, ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ट्रांसफार्मर कारखाना। क्योंकि जब हम अपने क्षेत्र के रोजगार वगैरह की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक ही बात आती है कि उद्योग हमारे यहाँ पे क्या है। हालांकि अब ये थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं रह गया है इस तरीके से क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब उद्योग वगैरह के ऊपर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो जरूर उलझाऊ होते हैं, विशेष करके क्योंकि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं और लोकल एम्प्लॉयमेंट देती ही देती हैं, लेकिन इसके साथ ही एक जिले की प्रसिद्धि के रूप में भी हमें देखने मिलता है। जैसे आज के सरकार की अगर बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसका लॉन्च करने का एक ही मकसद है कि हम पूरे प्रदेश स्तर पर क्या करेंगे, उस जिले को पहचान दिलाएंगे। तो इस तरीके से अगर जो कोई इंडिविजुअल चीज आपके प्रदेश में स्थित है तो वो परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। खास करके ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की अगर बात करते हैं तो हम तो लगता है कि अनगिनत बार इसको पूछा गया है, ट्रांसफार्मर हो गया, बैटरी से संबंधित हो गया या फिर आपके माचिस से संबंधित हो गया, ये कुछ ऐसे उद्योग होते हैं खास करके परंपरागत उद्योग जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की जब बात करते हैं तो बिल्कुल आपको पता ही है कि आपके कहाँ पे, झांसी में देखने मिलता है, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। झांसी की जब बात करते हैं तो यहीं पे हमने देख रखा था कि ट्रांसफार्मर कारखाना यहाँ पे आपको विधवत देखने मिलता है, ट्रांसफार्मर बिजली के उद्योग के अंतर्गत आपको देखने मिलता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं सदी में प्रसिद्ध बर्मन वंश के संस्थापक,
ठीक है, 12वीं, सॉरी 12वीं नहीं, याद आ गए, क्वेश्चन नंबर 12वीं है। 8वीं सदी में प्रसिद्ध बर्मन वंश के संस्थापक यशो बर्मन का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो एक आपको यशो बर्मन शासन देखने मिलता है, खास करके बर्मन राज के अंतर्गत, और इनकी अगर बात करते हैं तो इनका आपके प्रदेश के किस जिले से संबंध है, अगर जो इसकी बात करें तो झांसी से है, कन्नौज से है, रायबरेली से है, या फिर उज्जैन से है। किसकी बात किया जा रहा है? 8वीं शताब्दी के बर्मन वंश के संस्थापक यशो बर्मन, यशो बर्मन के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है, और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर जो इनकी बात करें तो इनका संबंध आपके प्रदेश के किस जिले से स्थित है, यशो बर्मन। और यशो वर्मन की जब बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, काजल जी और विकास, बहुत अच्छी बात है, आप लोग तो जुड़े रहें और यहाँ पे आंसर देते रहें। बात करें इसकी तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए विधिवत इंपॉर्टेंट है, और सेशन अगर जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लें। ठीक है, यहाँ पे बात करें प्रसिद्ध बर्मन वंश के संस्थापक के रूप में यशो वर्मन, तो ध्यान रखिएगा इनका जो संबंध है ये आपके कहाँ से हो जाता है, ये आपके कन्नौज से संबंधित हो जाता है। कन्नौज की जब बात करते हैं तो यहीं से संबंधित है आपके यशो बर्मन, जिन्होंने क्या किया था, यहाँ कन्नौज के लोकेशन में बर्मन वंश की स्थापना की थी। और अगर जो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए तो आपको बताया भी था कि यहीं कन्नौज से ही आपको एक लड़की देखने मिलती है, विशेष करके संयोगिता, और संयोगिता को कैसे भूल सकते हैं, क्यों? क्योंकि संयोगिता जो थी वो जयचंद की भाई बहन थी, विशेष करके जयचंद की बहन थी, और इसका स्वयंवर रचा जा रहा था, और आपको बताया भी था कि विशेष करके आपके पृथ्वीराज चौहान के द्वारा क्या किया गया था, इनका अपहरण कर लिया गया था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इनका एक तरीके से कह सकते हैं अपहरण या फिर हरण या पकड़ुआ विवाह कर लीजिए, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा विशेष करके इनका अपहरण करके इनकी शादी कर ली गई थी, हालांकि बाद में इसको लेकर के जयचंद और पृथ्वीराज के बीच लड़ाई वगैरह भी हुई थी, और बाद में जयचंद हारा भी था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान विशेष करके संयोगिता की शादी इनके द्वारा हुई थी, और इसके बारे में अगर जो बात करें तो एक बुक लिखी गई है आपके चंद बरदाई के द्वारा, एक बुक लिखी गई है चंद बरदाई के द्वारा, और उसका नाम ही है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो करके एक बुक है, और इसी पृथ्वीराज रासो जो बुक है इसमें क्या किया गया है, इस सारे परिघटना को काल्पनिक रूप से किस तरीके से हुई थी उसके बारे में पूरा एक विस्तृत डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, कन्नौज की ही जब बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में ध्यान रखिएगा लोक गायिका है मालिनी अवस्थी। हालांकि मालिनी अवस्थी की अगर जो आज की बात करें तो आप जानते हैं कि लखनऊ में निवास करती हैं, नवाबों के शहरों में, लेकिन अगर जो इनके मूल जन्म स्थान की बात करते हैं तो आपके प्रदेश के कन्नौज जिले से ही संबंधित है आपकी मालिनी अवस्थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है आपके सामने की हंसते हुए बुद्ध की प्रतिमा आपके किस मंदिर में स्थित है, ठीक है। आपको बताइए कि कुशीनगर में कई सारे मंदिर स्थित हैं, ये तो हमें पता है, कुशीनगर में अलग अलग देशों के द्वारा कई सारे मंदिर बनाए गए हैं जिसकी कुछ अलग अलग तरीके से विशेषताएं हैं, और यहाँ पे अगर जो बात करते हैं तो एक विशेषता है कि हंसते हुए बुद्ध को, जनरली हमने बुद्ध को एक धीर गंभीर व्यक्ति के रूप में लिखा है कि बहुत ही गंभीर व्यक्ति थे, हमेशा ज्ञान मुद्रा में ही रहते थे, चीजों को कहीं ना कहीं या तो उपदेश देते हुए या तो फिर अपने कह सकते हैं स्वयं अध्ययन के रूप में दिखते हैं, बैठे हुए जनरली या फिर खड़े हुए, लेकिन यहाँ पे बुद्ध भगवान को हंसते हुए दिखाया गया है, और ये प्रतिमा जो लगाई गई है विशेष करके प्रदेश के जिले के अंतर्गत विशेष करके कुशीनगर में है, लेकिन किस मंदिर में स्थित है, चूंकि कई देशों के द्वारा मंदिर बनाया गया है, जिसमें अगर बात करें तो चीनी मंदिर, बर्मा मंदिर, थाई मंदिर या फिर श्रीलंका मंदिर, इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जो बात करते हैं तो हंसते हुए बुद्ध, और हंसते हुए की बात हो रही है, बिल्कुल आपने सही कहा, ड्रैगन से संबंधित है, ड्रैगन की जब बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, चीनी मंदिर, चीनी मंदिर, चीनी मतलब ये सुगर वाला चीनी नहीं है, ध्यान रखिएगा, चीनी मतलब होता है आपका चाइनीज, यहाँ पे इंग्लिश में दिया भी रहा है, विशेष करके चाइनीज टेम्पल जिसे हम कहते हैं, तो इसी चाइना वाले टेम्पल में क्या किया गया, भगवान बुद्ध को हंसते हुए, लाफिंग बुद्धा जिसे आप कहते हैं, तो हंसते हुए बुद्ध के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। श्रीलंका मंदिर की अगर जो विशेष बात करें तो आपको बताया भी था कि ये जो श्रीलंका मंदिर है विशेष करके एक गुंबदाकार मंदिर देखने मिलता है,
ठीक है, गुम्बदाकार मंदिर आपको देखने मिलता है जिसमें इस तरीके से कुछ मंदिर की संरचना है। और इसमें अगर बात करते हैं तो ये जो गुम्बद बनाया गया है विशेष करके ये आपकी ईंटों से बनाई गई है। जनरली जो मंदिर वगैरह होते हैं पत्थरों से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो ईंटों से बनाई गई मंदिर है ये आपकी श्रीलंका मंदिर है। और इसमें अगर बात करें तो बीचों बीच क्या की गई है, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा लगाई गई है। और इसके साथ ही साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ ही साथ जो दीवाले हैं, दीवालों पर क्या किया गया है, आपके अलग अलग तरीके से पेंटिंग्स की गई है। और पेंटिंग्स की जब बात करते हैं तो ये जो पेंटिंग है वो बुद्ध धर्म के जीवन से ही संबंधित है या फिर बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित है, तो ये आपको विशेष देखने मिलता है। अच्छा, ईंटों का नाम आ गया तो याद रखिएगा, एक आपका मंदिर देखने मिलता है, ईंटों से बना हुआ मंदिर, ईंटों से बना हुआ मंदिर। और ईंटों से बने मंदिर की अगर बात करते हैं तो आपका कहाँ होता है, भीतर गाँव, भीतर गाँव। और भीतर गांव का मंदिर भी इसे कहते हैं जो कि प्रसिद्ध ईंटों से बना हुआ है अभी तक देखने को मिलता है, जो कि आज आपके कानपुर जिले में स्थित है। अब जो भीतर गांव के मंदिर की बात की तो ध्यान रखिएगा, एक आपको भीतरी स्तंभ लेख भी देखने मिलता है, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख भी देखने मिलता है। और वर्तमान में अगर बात करें तो जो आज आप गाजीपुर जिले को देखते हैं, इसी गाजीपुर जिले में ही क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। तो ये विशेष याद रखेंगे अगर जो इन सारे पॉइंट की बात की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुणे के प्रसिद्ध 84 खंभा मंदिर, क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध 84 खंभा मंदिर प्रदेश में स्थित है। अगर जो इसकी बात करें तो कहाँ पे, विशेष करके गोकुल में, नंदगांव में, महाबन में या फिर गोवर्धन में। अब ध्यान रखिएगा सारे प्लेस जो हैं वो आपके विशेष करके मथुरा से ही संबंधित है, मथुरा जिले से संबंधित है। और यहाँ पे हम बात करें तो कई सारे मथुरा जिले में चीजें आपको देखने मिलती हैं। लेकिन सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए 84 खंभा मंदिर कहाँ पे स्थित है। अगर जो इसकी बात करते हैं 84 खंभा मंदिर, इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपके कहाँ पे देखने मिलता है, विशेष करके गोकुल में, नंदगांव में, महावन में या फिर गोवर्धन में, 84 खंभा मंदिर। और 84 खंभा मंदिर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो मंदिर बनाया गया है विशेष करके जो आकृति है उसमें क्या किए गए हैं, आपके जो पिलर्स होते हैं इन पिलर्स की संख्या कितनी है, 84 आपको देखने मिलती है, 84 पिलर्स इसमें लगे हुए हैं। और इसी कारण इसका नाम भी हो जाता है आपका 84 खंभा मंदिर, ठीक है। विशेष करके कहाँ पे देखने मिलता है, और मथुरा जिले के अंतर्गत, बिल्कुल आपने सही कहा, नंदगांव नहीं बल्कि इसका महावन सही जवाब हो जाएगा। सी की जब बात करते हैं, महावन एक जो प्लेस है जो कि आपके मथुरा में ही देखने मिलता है, तो इस महावन में क्या है, इस 84 खंभा मथुरा में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अगर जो यहीं पे बात करें तो एक मंदिर और भी है विशेष करके, जिसे हम योग माया मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। योग माया मंदिर की जब बात करते हैं, आप जानते हैं कि योग माया जब पैदा हुई थी, जब खास करके कंस ने क्या किया था, आठवें पुत्र के रूप में जब उस लड़की का इस तरीके से लेकर के उसको जब जमीन पे पटका था, तो उस कंडीशन में योग माया ऊपर चली गई थी। तो वही योग माया विशेष करके आपको देखने मिलती है, उनका संबंधित मंदिर आपके महावन में। और इसी के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे एक आपको ब्रह्मांड घाट भी देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रह्मांड घाट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपके महावन से संबंधित होती हैं, ठीक है, विशेष करके महावन से संबंधित होती हैं जो कि आपके मथुरा जिले में स्थित है। कई सारे होली के प्रारूप आपके मथुरा जिले से संबंधित हैं, उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि लगभग आपको सब पता होगा। यहीं पर एक चीज़ और याद रखिएगा, वृंदावन की बात आ गई तो एक आपको विशेष मंदिर देखने मिलता है जिन्हें हम नाम देते हैं पागल बाबा का मंदिर। और पागल बाबा मंदिर चूंकि आपके परीक्षा में पूछा भी गया है तो इस कारण ध्यान रखेंगे, ठीक है। पागल बाबा मंदिर की जब बात करते हैं तो यह आपका विशेष करके कहाँ से है, आपके मथुरा जिले से ही संबंधित है, वृंदावन वाले लोकेशन में देखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने, पुनः क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्रख्यात हिंदी लेखक, क्या क्वेश्चन है, प्रख्यात हिंदी लेखक दूधनाथ सिंह प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। ये जो आपके दूधनाथ सिंह हैं ये आपके किस जिले से संबंधित देखने मिलते हैं, और हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, बात करेंगे जो तो इनकी कौन सा जिला हो जाएगा, बस्ती से, रामपुर से, लखनऊ से या फिर बलिया से। प्रख्यात हिंदी लेखक दूधनाथ सिंह प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, दूधनाथ सिंह। और दूधनाथ सिंह की जब बात करते हैं तो इन्होंने हिंदी में कई सारी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, हिंदी के एक प्रख्यात लेखक होते हैं। और इनकी जब बात करते हैं तो एक बार फिर से आपका बिल्कुल बलिया से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। बलिया की जब बात करते हैं तो यही बलिया जिले से संबंधित होते हैं आपके दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह की जब बात करते हैं तो आपके बलिया से संबंधित है, और बलिया से ही संबंधित हमने कई सारे व्यक्तियों को अभी ही चर्चा किया था, जैसे बताया भी था कि आपके जेपी जयप्रकाश नारायण की बात करें, जयप्रकाश के अलावा अगर जो बात करते हैं तो यहीं पे हमने बताया था कि आपके जनेश्वर मिश्रा,
जनेश्वर मिश्रा की जब बात करते हैं तो ये भी आपके यहीं से संबंधित है। इसके अलावा अगर जो बात करते हैं तो आपके चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर आपके नौवे प्रधानमंत्री के रूप में, साथ ही साथ आपके चित्तू पांडे की बात करते हैं या फिर आपके मंगल पांडे की बात करते हैं तो ये भी आपके यहीं से। अच्छा, बलिया के संबंध में एक व्यक्ति का और नाम याद रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो आप राज्यसभा के उपसभापति के रूप में देखते हैं, उस राज्यसभा के उपसभापति के रूप में आपको हरिवंश नारायण देखने मिलते हैं। और हरिवंश नारायण सिंह की जब बात करते हैं तो वर्तमान में आपके क्या है, बलिया जिले से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो विशेष करके बलिया जिले से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि हमें लगता है क्वेश्चनों की संख्या कम थी, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ा बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा तो इस कारण से कई सारे क्वेश्चन, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की संख्या कम जरूर है, लेकिन इससे संबंधित कई सारे पॉइंट जरूर आपके रिवाइज हो गए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा समय का पाबंद है तो इस कारण से छोटी क्लास है, विशेष करके कल की क्लास में फिर से एक स्वस्थ मुलाकात होगी। तो आपके लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सुबह।